देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है द कन्वर्जन ऑफ एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन मतलब आप जानते हैं इस तरह से होता है, COCH3। एक प्रकार से ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है। कहता है इनटू बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हैलो फॉर्म रिएक्शन करवाइए इसको, NaOH, ठीक है। जब हैलो फॉर्म रिएक्शन करवाएंगे तो यह क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करके यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के और बारी बारी से जो है 3 बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, आयोडीन पर अटैक करके, और फाइनली जो है फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH और प्लस का Ci3- में। उसके बाद जो है अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, मतलब इसको प्रोटॉन वगैरह दे दिया जाए, तो CHI3 में बदल जाए और फाइनली बेंजोइक एसिड हमें। देखिए कहता है कि क्या है, द कन्वर्जन ऑफ एसिटोफिनोन इनटू बेंजोइक एसिड कैन बी अचीव्ड बाय द रिएक्शन। मतलब जब जब भी आपको मिथाइल कीटोन से एसिड बनाना हो, इस ग्रुप को COOH में बदलना हो, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन हम लोग अपनाते हैं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, नहीं, ठीक है। कहता है ये कह रहा है केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, OH- से यहाँ अटैक कराइए, ठीक है, OH- से OH- से अटैक कराइए। तो जैसे देखिए यहाँ पर अटैक करेगा, ये खुलेगा, ठीक है, तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, फाइनली यही बनेगा। दूसरा हम कहता है आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो बस यही ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में पहले एक बार थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइलेनिक हाइड्रोजन आर द मोस्ट एसिडिक, ठीक है। इसमें से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है। एक बात मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको पहला बताता हूँ, C(O) और CH2 और CH3, ठीक है, ये है। अब मान लीजिए कि कोई बेस ले लिया हमने, OH- ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कहाँ कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि यहाँ का तो मामला समझ में आ रहा है, यहाँ क्यों अटैक कर रहा है, तो देखिए यहाँ ये इसलिए अटैक कर रहा है बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ से ये H अपने से ये H प्लस को यहाँ से लेकर जाता है तो बनेगा कार्बन आयंस, और वो कार्बन आयंस को देखिए रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है, रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन आयंस बनता है ना, तो कार्बन आयंस तभी बनता है जब कार्बन आयंस बनने के बाद, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन देने के बाद जो बनने वाला कार्बन आयंस होगा उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलता हो, मतलब कोई पावरफुल स्टेबिलिटी मिलता हो, ठीक है। तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये दे सकता है, लेकिन कहता है कि इन चारों में से बताइए किसके पास मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। इसमें देखिए दूसरे वाले में बच्चों CH3 CH2, फिर C(O), फिर O और उसके बाद जो है C2H5 है, ये है। अब यहाँ से OH- की बात करेंगे तो OH- यहाँ से ही एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, निकालेगा और ये फिर इधर रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहाँ का लोन पेयर है, देखिए ये क्या करेगा, ये इधर से इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को थोड़ा सा कम करेगा, मतलब कार्बन आयंस। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि कार्बन आयंस को स्टेबिलिटी कहाँ पर मिल रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है।
जिसमें कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको सबका कार्बन आयन बना के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, फिर उसके बाद CH3 है। ये सेकेंड ले लीजिए CH3 CH2, ठीक, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और फिर O C2H5, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH और इधर लिखा हुआ है COO फिर C2H5 और ऐसा ही एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है COO C2H5, ये लिखा हुआ है ना। अब देखिए OH- आएगा, तो OH- आएगा तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल, अभी बताऊंगा, एक बार पहले लिख लेता हूँ CH3 CO, फिर उसके बाद जो है CH2 और CN हो। अब देखो OH- जो है हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो OH- न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये चारों कंपाउंड मिस करता है कि कौन सा, मतलब किस कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है न, कौन सा कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, ये अपने से बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब यही है कि आप क्या कीजिए कि सभी कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के कार्बन आयन्स बनाइए, तो जिसका कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही मोस्ट एसिडिक होगा, एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए इन चारों में से ये जो चौथा कार्बन है ना, अगर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला जाए तो ये कार्बन आयन्स बनेगा, और इस कार्बन आयन्स को देखिए इधर भी रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, और ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड है इधर भी रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि इस कार्बन आयन्स को दोनों तरफ से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। जबकि यहाँ पर देखिए, जैसे इस थर्ड में देखिए यहाँ पर कार्बन आयन्स है, तो नो डाउट देखिए ये भी ग्रुप इसको खींच रहा है और ये भी ग्रुप खींच रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा जो है इधर से प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर है उसको ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें थर्ड में देखिए, थर्ड में भी वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है, लेकिन ये चूँकि इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसीलिए इसका जो खींचने का पावर है वो कम हो रहा है, मतलब कार्बन आयन्स को स्टेबिलिटी उतना नहीं मिल रहा है जितना चौथे में मिल रहा है। इसमें देखिए यहाँ से जैसे देखिए कार्बन आयन्स बनाया, कार्बन आयन्स के द्वारा माइनस एम लग तो रहा है लेकिन इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अगर यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पर कार्बन आयन्स के द्वारा माइनस एम इफेक्ट तो लग रहा है लेकिन इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर चारों ऑप्शन में से केवल ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसमें जिसके कार्बन आयन्स को दोनों तरफ से माइनस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 जो है ये साइक्लोपेंटेनोन है, कीटोन है, और ये देखिए क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। जब भी साइक्लोपेंटेनोन मतलब कीटोन, कोई भी कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, और हाइड्रोक्सिल एमीन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के दरमियान क्या होता है बच्चों, यहाँ का H2 और यहाँ का ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और फाइनली जो है ये बॉन्ड बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड तो रहेगा ही और नाइट्रोजन और ये OH हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म से जाएंगे तो भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और फिर यहाँ से खुलेगा, ठीक है, बाद में डिहाइड्रेशन वगैरह होकर अरेंजमेंट हो गई ये। तो आप डायरेक्ट याद रखा कीजिए कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड हो और हाइड्रोक्सिल एमीन जो है उसके साथ रिएक्शन करे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन के दरमियान जो है आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, तो उस हिसाब से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एसिड है, ठीक है, और बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के साथ SOCl2, तो बेंजोइक एसिड के साथ SOCl2 आप जानते हैं कि ये जो है ये RCO Cl में बदल जाता है, R नहीं है यहाँ पर,
ये बेसिकली यहाँ पर पीएच, ठीक है, ये पीएच, पीएच सीओसीएल में, और पीएच सीओसीएल के साथ जब हम लोग H2PD, ठीक है, BaSO4 करते हैं, तो आपको पता है कि ये रोजेनमंड रिएक्शन होता है, ठीक है, रोजेनमंड रिएक्शन है, और रोजेनमंड रिएक्शन के दरमियान जो है ये COCl बदल जाता है बच्चों pH और CHO में बदलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद है, ये देखिए लर्निंग रिजल्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एसिड में SOCl2 करने से ये क्या हो जाता है बच्चों, ये जो है यहाँ पर जो है क्लोरीन के रूप में बदल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सबसे पहला नंबर क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है इस सल्फर पर अटैक करके क्लोरीन निकलता है, फिर वो क्लोरीन दोबारा अटैक करके और पूरे SOCl2 के SOCl के साथ जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है, ठीक है। और फिर H2PD BSO4 जो है एक रोजेनमंड रिएक्शन है, और ये क्या करता है इस COCl को जो है एल्डिहाइड में बदल देता है, तो एल्डिहाइड में बदलने के बाद जो है देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो करता है प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन का मतलब समझ रहे हो, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कहता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड बाय, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए देखिए बेयर्स रिएजेंट होता है। टेस्ट करने का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है। तो हम जानते हैं कि ये जो बेयर्स रिएजेंट होता है बच्चों ये होता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो ये सिन एडिशन करता है और सिन एडिशन के दरमियान जो है ये क्या करता है 1-2 विसिनल डायोल सिस्टम बनाता है, यहाँ पर भी बनाता है, यहाँ भी OH लगेगा, OH लगेगा, लेकिन दो बार डबल बॉन्ड है तो ये क्या है कि OH OH दो बार लगने के कारण जो है ये डायोन बनाता है। कुल मिलाकर देखिए हमसे ये पूछा गया है कि अनसेचुरेशन जो है हम किस रिएजेंट से पता करते हैं, तो बेयर्स रिएजेंट से जो है आप अनसेचुरेशन पता कर सकते हो। तो सवाल उठता है ये सीप टोलेंस ये फेलिंग सॉल्यूशन, तो आप जानते हो कि सीप टोलेंस और फेलिंग जो है ये तीनों के तीनों जो है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों एल्डिहाइड का टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए कहता है कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक होता है मिथाइल कीटोन और दूसरा होता है बच्चों RCH और उसके बाद यहाँ पर OH और CH3, ठीक है। बेसिकली बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में सबसे पहला नंबर ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा लेता है और फिर यहाँ से जो है ये बन जाएगा CO-, यहाँ से एच और ये CH3, ठीक है। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के स्थान पर डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और फाइनली जो है ये मिथाइल कीटोन में बदल जाता है, समझ गए बात को। तो यही कारण है कि अगर दूसरे पोजिशन पर है ना, दूसरे कार्बन पर जो है 2-हाइड्रोक्सी टाइप का भी सिस्टम हो तो वैसे अल्केन में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देखा जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में बेसिकली वो मिथाइल कीटोन में ही बदल जाता है। तो अब बस पहचानिए, देखिए पहला देखिए क्या है, CH3 है और CH है और यहाँ पर OH है ना CH2, तो देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ मिथाइल दिख रहा है और फिर यहाँ पर जो है वही OH, इस तरह का सिस्टम है। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है C2H5 और ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड तो होता नहीं, मिथाइल कीटोन से होता है, और ये देखिए दिया हुआ है CH2OH दो बार, तो CH2OH और फिर CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस तरह का अरेंजमेंट है इसका, ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और बाकी ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और डज नॉट डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। देखिए इस तरह से आर सी डबल बोन ओ और फिर ये सी एच टू और फिर ये जो है सी ओ एच कुछ इस तरह से, तो इसको हम अल्फा पोजिशन बोलते हैं और इसको हम लोग बीटा पोजिशन बोलते हैं। जब हम इसका हीटिंग करते हैं तो बीटा कीटो एसिड में क्या होता है, डी कार्बोगिलेशन हो जाता है, मतलब सी ओ टू यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और सी ओ टू निकलता है तो बेसिकली ये बन जाता है सी ओ और ये बन जाएगा यहाँ से सी एच टू तो है ही, और एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाता है। और इसमें बेसिकली मैकेनिज्म क्या लगता है बच्चों कि यहाँ से जो ये ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है ये मतलब सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पर ये प्रोटोन यहाँ से जाएगा, प्रोटोन जाने के बाद निगेटिव चार्ज बनेगा और ये बॉन्ड मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाकर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ पर सी ओ एच मतलब सी ओ एच लगा हुआ रहता है, डी कार्बोक्सिलेशन होने में सी ओ टू को तो बाहर आना ही है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो बॉन्ड जिस इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाता है निगेटिव चार्ज के रूप में। तो अब आपको बस यही बात का मतलब ध्यान रखना है इसमें। देखिए जब आप ऑप्शन नंबर ए का हीटिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए का हीटिंग करेंगे तो सी ओ एच जिस कार्बन से लगा हुआ होगा है ना, मैकेनिज्म के दरमियान जो है मैकेनिज्म के दरमियान निगेटिव चार्ज वहीं पर आया होगा। तो आप गौर से देखिए निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर ब्रिज हेड पर आया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ब्रिज हेड पर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण चूंकि ये जो सिस्टम है ट्रांजिशन स्टेट मान लीजिए, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट तो करेगा ही नहीं, तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, अगर मान लीजिए कार्बोकेटाइन ही अनस्टेबल हो जाए तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है वो इंटरमीडिएट पर डिपेंड करता है। ऐसे ही SN2 के साथ भी होता है, ऐसे फ्री रेडिकल रिएक्शन के साथ भी होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दरमियान क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन के दरमियान जो है निगेटिव चार्ज जो है उस कार्बन पर बनता है जिस कार्बन पर जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ रहता है, जिस कार्बन से सी ओ एच जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि इसके साथ जो है हीटिंग करने के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, NaOH, सोडा लाइम, CaO ये सब लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे OH माइनस रहेगा तो ये OH माइनस सबसे पहले नंबर क्या करेगा, यहाँ का प्रोटॉन ले लेगा, और जैसे प्रोटॉन लेगा तो ये O माइनस बनेगा, और जैसे हीटिंग करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये निगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्यों बढ़ेगा, तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के चक्कर में जो है ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो चूंकि कार्बन चार बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। तो यही कारण है कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, चूंकि ब्रिज हेड पर आया तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है, और अनस्टेबल है तो जब ट्रांजिशन स्टेट ही इसका अनस्टेबल हो गया है ना, इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल हो गया तो ये प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। जबकि इसमें देखिए कार्बेनाइन से यहाँ पर बनेगा, और इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, तो कार्बेनाइन से यहाँ पर बनेगा। तो बी और सी जो है आसानी से डी कार्बोक्सिलेशन करेगा लेकिन ए आसानी से डी कार्बोक्सिलेशन नहीं कर पाएगा। तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो है डी कार्बोक्सिलेशन हीटिंग करने के दरमियान नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा।